कोसर के पत्ते, कोसर के पत्ते से चटनी बनाते हैं और मछली से बनाते हैं। तो नॉर्थ के चौराई लोग मछली से ही बनाते हैं, लेकिन फर्मेंटेड फिश से बॉईल करके आप लोग नया रेसिपी आप लोग के लिए, जो बाहर नॉर्थ के बाहर में रहते हैं उन लोग के लिए नया रेसिपी है, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। ये रोसेल के पत्ते हैं, हम इसको अपने हाथ से तोड़ दिया है। अभी हम सॉस पैन में पानी गरम किया, हाफ लीटर पानी, और हम इसमें हल्दी का पाउडर देंगे हाफ चम्मच। थोड़ा थोड़ा पानी उबलने लगा है, हम रोसेल का पत्ती देंगे। हम प्याज देंगे, प्याज काट के रखा था, स्लाइस होता था, स्लाइस करके। अब हम 1.5 चम्मच नमक देंगे। पूरा पानी उबलने लगा है, अब हम इसमें मछली देंगे, मछली काटा हुआ मछली। ये उबल रहा है, पूरा फुल फ्लेम में उबलना चाहिए। फर्मेंटेड फिश ठीक से धोएंगे आप। हम हैंड मिक्सर में देंगे। जो उबला हुआ पानी है, मतलब सूप है, इस तरह लेके फर्मेंटेड फिश में डालना है इस तरह। ताकि ये नरम हो जाए। इस तरह फर्मेंटेड फिश में उबला हुआ सूप देना है ताकि ये फर्मेंटेड फिश नरम हो जाए। हैंड स्मैशर में ये स्मैश किया हो, हम उसका सूप इस तरह डालना। ये देखिए आप लोग, जो गर्म पानी में फर्मेंटेड फिश को गर्म पानी में रखा था, तो उसका सूप जो है हमने सॉस पैन में पोर कर दिया हो, तो यही नतीजा है कि फर्मेंटेड फिश का जो हड्डियाँ है इसमें नीचे रह गया है। ये मिर्ची है, कच्चा मिर्ची मैंने पेस्ट करके पानी में मिलाया था। मिर्ची का जो पेस्ट था अब हम इसमें पोर करेंगे, हम मिक्स करेंगे इसको आहिस्ता आहिस्ता ताकि मछली टूट ना जाए। ये लहसुन का पेस्ट है, लहसुन यानी कि गार्लिक का पेस्ट है, अब हम सूप में मिक्स करेंगे गार्निशिंग के लिए। गार्लिक पेस्ट दे दिया हो, अब हम मिक्स करना है। ध्यान रहना चाहिए ताकि ये मिक्स करते समय ताकि मछली टूट ना जाए। इसको कवर रखेंगे ताकि ये जल्दी से बॉइल हो जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शायद आप लोग को पसंद आए मेरे वीडियो, आप लोग ट्राई कर सकते हैं बना के, और मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में।